तो दोस्तों आप पूछा है गीता भवन जो खंडेला प्रताप रोड पर है, आज शरद पूर्णिमा महोत्सव जय और अड़े खीर को वितरित करो जाए लो। तो आप साथ जो दादाजी और जुड़ा जी आप पूछा कि कतीक साल सुआर है जी और कहीं फायदा हो रहा है। राम राम दादाजी। राम राम। कौन सा गाँव दादाजी? खंडेला ओए गांव ही। खंडेलो ही। तो इसु पहला भी आए जाए थे? पहली बार आए जो। नहीं पहली बार को नहीं, 3 4 दफे ले ली। तो फायदा हो रहा है? हाँ थोड़ा फायदा रहे जी। तो जी एक बार ले बस भी फायदा हो जाए था वे। एक बार से तो को नहीं, 2 3 बार ली जना। अच्छा। हाँ बात और जो आपने पीछे जी बे दूसरा गांव का दादाजी जी आपने भी पूछांगा। देखो जी हाँ आप बात करें तो ठीक काफी जो दादाजी दादी जी सभी आएडा जी। राम राम जी। कौन राम राम जी। राम सो गांव था वो? गांव पणियारा साहब। ठीक अतीक साल सो आ रहे जो अड़े खीर को प्रसाद थे प्राप्त कर रहे। 10 साल से आ रहे थे। 10 साल से हाँ फायदा है था गया। फायदो साहब तो जी आपने कोई वीडियो देख रहे थे बंद कहीं का बचा होगा? यही कहूंगा, फायदो हमारे फायदो है। हर साल में आनु चाहिए और दवाई खासी तो उम्र बढ़सी, सांस दबसी। तो जी आपने सारे एक दादाजी और चाहे कि लगभग दादाजी कतीक साल का होगा थे? 80 कम हो 80 का होगा। तो 18 का बार हम थाने कौन बताए थे पहली बार आए जो गेट नहीं भाई, वो हाल जन वो बताया। आगे। हाँ तो इसु पहला भी कठे की दवाई वाई ले रहे जाक। तो चलता पौड़ा जन होगा भाई, फिक्र किया सालों से। अच्छा। हाँ फिक्र की साल। तो अठे की। तो जी अब टाइम बज रहे है तकरीबन 10 बज रहे जी और जो कार्यकर्ता जी बे खीर कमाए ने जो दवाई जो आयुर्वेदिक दवाई बा मिला हुआ की प्रोसेस ये चालू करवाड़ा जी। तो आप हमने पूछेगा कि ये दवाई कठे सु मंगाई और कतीक एक जो कटोरी टाइप को है वो सिकोरा बीम कतीक दवाई डाली जी? कठैसु मंगाओ थे दवाई? ये चित्रकूट से आती है जी, उत्तर प्रदेश से, आयुर्वेदिक दवाई। और ये अभी जो है 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे बर्तन जो मिट्टी का जो बर्तन है उसमें खीर डाल दी गई है, अब उसके अंदर दवाई डालेंगे। तो जी आप बात करें तो एक सिकोरा में कतीक डालो? एक शुक्र में 10 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम और बच्चों को 5 ग्राम, तो 11 साल से कम होते हैं। तो जी मौसम बड़ो अच्छो हो रहा है, चांद भी निकल आए हो। तो कता कार्यकर्ता जी और कता रोगी अठियाड़ा जी? 300 350 तो पेशेंट हो जाते हैं जी, कभी कभी 400 भी पहुंच जाते हैं, अब मौसम के अनुकूल है, बाकी 150 कार्यकर्ता हो जाते हैं। तो आपने साथ जो माता जी और जुड़े जी आपने भी पूछा ये कौन सा गांव का ही और कतीक साल से अठियाड़े जी? राम राम दादी जी। राम राम जी। कतीक साल से आ रहे जो या पहली बार आया जो? नहीं दो तीसरा है या एक फायदा तो खाया को नहीं, दो बारी आया आज अच्छा। की थोड़ा है फायदा। और थे दादी जी? मैं पहली बार आई भाई। पहली बार थाने कौन बताया? यही बताया साथ का है, मैं पड़ोसी है। 4 साल हो गया था। 4 साल हो गया था। हाँ अच्छा जो अच्छा जो अच्छा जी हम बात करें तो दादी जी और जी सिक्कर से और 6 7 जना आया जी, क्या सोच कोई गाड़ी वाड़ी ले रहा है जो क्या? बैठ लिया है मैं बस में आया। बस में आया जो? तो मतलब सुबह जाओगा आराम से? सुबह। तो दादी जी जी थे कतिक साल सवार है तो फायदो है था फायदे तो नहीं आ रही है आ नहीं सक ले रही हूं। और तो जी हां ठीक है बीच में दवाई वाई भी लो छो या क्यों कुन लो? कोई दुख कोई जुखाम लाग जाए तो दवाई ले नहीं और खोल लिया दवाई। तो जी हां आके साथ आके दादी जी के साथ एक भाई जी भी आई जा फाने भी पूछांगा कि थे कौन सा गांव से? तो थे साथ ही आए जो या थारे भी समस्या? मेरे भी समस्या पर आई पिछली बार भी आए थे। हाँ। फायदो जे। तो जी हम बात कर रहे हैं कि अठे कम से कम भी 400 से 500 जो रोगी जी बे अठे आएगा और आज रात 2 बजे के बाद में अन्य प्रसादी जो खीर की है दवाई युक्त बाद दी जाएगी। विश्व पहला अठे गीता भवन में भजन संध्या को आयोजन किया जा रहे है और ये सब बैठ भजन कीर्तन करेंगे।